योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। खास तौर से गोरखपुर पहुंचते ही तूफानी बैठक मुख्यमंत्री का शुरू हो गया। गोरखपुर मंडल के चारों जिले के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ ताबड़तोड़ बैठक की। ताबड़तोड़ बैठक करने के बाद जीत का मंत्र उन्होंने नगर निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं को दिया। किस तरह से जीत हासिल करनी है उसको लेकर के 5 भागों में बैठक की गई। सबसे पहले गोरखपुर जिले की, उसके बाद गोरखपुर महानगर, फिर कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज के कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। आपको बता दें कि इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ विधायक और जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं वो भी मौजूद रहे। खास तौर से कार्यकर्ताओं को 2023 के नगर निकाय चुनाव में किस तरह से जीत हासिल किया जाए उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया। भारतीय जनता पार्टी के निकाय चुनाव को लेकर दूसरे चरण के लिए अब रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बिगुल बज चुका है, यानी कि सभी पार्टियां अपनी जोर और आजमाइश करती दिख रही हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत उन्होंने जमीनी मुद्दों को लेकर के उठाते हुए कहा कि जिस तरीके से हमारी दिल्ली में सरकार है और दिल्ली में हमारा मेयर भी है, ऐसे में दिल्ली की जनता जानती है कि हमने कितना विकास कार्य किया है। ऐसे अगर हमारा मेयर प्रत्याशी लखनऊ में जीतता है तो लखनऊ की सड़कों को भी हम चमका देंगे, यानी जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं उन सुविधाओं पर हम खरा उतरने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने ये साफ तौर पे कहते हुए खंभा, बिजली, पानी, सड़क, ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के इस बार उतरने वाली हैं, यानी कि साफ तौर पे 110 वार्डों पे अपने पूरे पार्षदों के साथ लड़ाएंगी। ऐसे में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने शंखनाद कर दिया है तो ऐसे में लग रहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का विजयी रथ कितना आगे बढ़ पाएगा। यूपी में नगर निकाय चुनाव में सभी पार्टियां लगातार तैयारियों में जुटी हुई हैं और समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों गठबंधन की पार्टियां हैं और नगर निकाय चुनाव गठबंधन से लड़ने जा रही थी, लेकिन अब दोनों पार्टियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल आरएलडी ने जिन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, सपा ने भी उन्हीं सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और दोनों जब प्रत्याशी आमने सामने हैं तो ऐसे में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं सपा ने एक डिसीजन लिया है कि दो बागपत की ऐसी सीटें छोड़ दी हैं जहां पर वो अपने नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी नहीं उतारेंगी। आरएलडी के जो वो प्रत्याशी है उनको समर्थन देगी। अब ऐसे में आरएलडी के प्रत्याशी और सपा के प्रत्याशी जो एक ही सीट पर आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे को मनाने में लगे हुए हैं कि वो अपना नामांकन वापस ले लें। ऐसे में देखना होगा कि कितना मजबूती से गठबंधन रहता है और क्या कुछ नगर निकाय चुनाव में प्रदर्शन करने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में आने वाले त्योहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह ने पूरे प्रदेश भर के अफसरों के साथ बैठक की। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चली जिसमें राजधानी लखनऊ के सभी आला अधिकारी मौजूद थे। हालांकि इस दौरान उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के सभी एडीजी जोन, साथ ही साथ आईजी, उसके अलावा सभी पुलिस कमिश्नर, कप्तानों को, जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि चूंकि उत्तर प्रदेश भर में धारा 144 विभिन्न जिलों में लगी है, शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे उसको लेकर अफसर चौकन्ने रहें। साथ ही साथ प्रदेश के त्योहारों में कहीं कोई नई परंपरा ना पड़ने पाए, जो परंपराएं पहले से हैं वही रहेंगी। साथ ही साथ त्योहारों के दौरान सड़क पर या सार्वजनिक स्थानों पर कोई आयोजन न हो इसको लेकर भी अफसर इंश्योर करें, खुद फील्ड में उतरें, छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान दें और कोई भी बड़ी घटना होने पर तत्काल मौके पर पहुंचें। तो निश्चित तौर पर हम कहें कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर रहे, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने आज दिशा निर्देश जारी किए हैं। चूंकि अतीक अहमद की हत्या के बाद लगातार कहीं न कहीं आशंका थी कि कई ऐसी जगहें हैं जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर प्रदर्शन हो सकते हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से चौकन्नी है। हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में खड़े हैं। दरअसल आपको बता दें कि संभल समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जहाँ पर मुलायम सिंह से लेकर रामगोपाल तक यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में रहे। फिलहाल देखने की बात है कि जिस तरह से संभल में राजनीति फिर गर्मा गई है, जहाँ पर संभल के सांसद डॉक्टर शफीक रहमान बर्क और वहीं पर संभल के सदर विधायक इकबाल महमूद, इन दोनों के बीच में फिर जुबानी जंग शुरू हो गई है। दरअसल आखिर किस तरह से समाजवादी पार्टी का किले की जीत होगी या किस तरह से यहाँ पर आम पब्लिक का भरोसा जीतेंगे। देखिए, जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार जिस तरह से पारिवारिक बात की बात आती है और जहाँ पर अखिलेश और उसके अलावा कई बयान आते हैं, लेकिन जिस तरह से संभल की बात की जाए तो संभल में
संभल के जो सदर विधायक है उन्होंने अपनी पत्नी को चेयरमैन पद से यहाँ पर नामित किया है, जिनका नाम रुखसाना है। फिलहाल उसी तरह से अब संभल सांसद ने भी अपने प्रतिनिधि यहाँ पर घोषित किया है, जिसका नाम यासीन है। अब देखना ये कि दोनों समाजवादी पार्टी के हैं और जिस तरह से यहाँ के सदर विधायक को सिंबल दिया गया है और उसके बीच में यहाँ के जो जिला अध्यक्ष थे उस बीच में भी आधा घंटे के अंदर दोनों के पद यहाँ पर चयनित किए गए थे। सबसे पहले फिरोज खां को नामित किया गया था, उसको फिर असगर अंसारी को। लेकिन इस तरह की उलट पलट लगातार संभल में चली आ रही है। अब देखना ये है कि समाजवादी पार्टी किस तरह से संभल में अपना स्तंभ कायम करती है और किस तरह से अपने प्रत्याशियों को यहाँ पर जीत हासिल करती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से यहाँ के सदर विधायक उनकी पत्नी चेयरमैन पद से है, उधर डॉक्टर शफीक रहमान पार्क जो कि सांसद है उनकी तरफ से यासीन सैफी का नाम दे दिया गया है। फिलहाल इन दोनों के बीच में जिस तरह से पिछते हुए शाहजहां में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में 2023 का ये निकाय चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव पर जरूर असर डालेगा। देखना होगा कि शाहजहांपुर में ये निकाय चुनाव में जीत किसकी होती है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अभी भी अपने प्रत्याशी को लेकर मंथन कर रही है। जिस तरह से निकाय चुनाव की तैयारी शाहजहांपुर में चल रही है, कहीं न कहीं बीएसपी और कांग्रेस भी पीछे नज़र नहीं आ रही है। निकाय चुनाव 2023 का ये शाहजहांपुर को पहला मेयर मिलेगा, इसको कुर्सी पर बैठने का मौका मिलेगा, ये देखना होगा। किसके सर पर ताज सजेगा ये भी देखना होगा। लेकिन कहीं न कहीं ये 2023 का निकाय चुनाव का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। जनपद में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। भाई डिप्टी सीएमओ निरंजन गौतम ने बताया है कि फरुखाबाद जनपद में अब कोरोना मरीजों की संख्या 49 हो चुकी है। वहीं ताजा अभी खबर नहीं अपडेटेड, नए 7 कोरोना के मरीज मिले हैं, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो सारी छात्राएं हैं वो 7 छात्राएं संक्रमित हो गई हैं, उनको स्कूल में उनका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। वहीं हर जगह गाइडलाइन के फॉलो करने के लिए लोगों को जागरूक करा है। जनपद में लगातार हाथरस के एक इस इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रशासन द्वारा कल दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों छात्र छात्राओं को फतवा की प्रैक्टिस कराई गई, जिसको लेकर आज तमाम हिंदूवादी संगठनों के साथ इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने यह स्कूल प्रशासन पर गेट बंद कर दिया है और यह तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से सारे अभिभावक सुबह से जमाए। इनका कहना है कि इस स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया है कि इन्होंने फंडिंग के जरिए पैसे लेकर का भी इन्हें आरोप लगाया है कि उन्होंने जान पूछ कर ऐसा कराया गया है, जो बिल्कुल गलत है। और इस विरोध में इन्होंने ये आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ सुबह से ही बैठे हुए हैं, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। तमाम हिंदूवादी संगठन के ये तमाम लोग हैं, इनका यही कहना है कि ये गलत है और इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि उन्होंने प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन जो ये मांग है इनकी मांग है कि इन पर FIR दर्ज हो और कभी कार्रवाई करनी। एक मुद्दा काफी सुर्खियों में है, ये मुद्दा देश की बड़ी पार्टी भाजपा से संबंधित है। भाजपा के ही कार्यकर्ता प्रिंस सिंह और सहयोगी पार्टी रिपब्लिकन के जिलाध्यक्ष सुनील सोनकर के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा के जिलाध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह और उनके परिवार के द्वारा बीहड़ के 22 बीघे जमीन पर कटीले तारों से कब्जा घेराबंदी करके कब्जा किया गया है। उक्त प्रकरण को लेकर के 14 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री से शिकायत की गई, जिस पर संयुक्त भूपेंद्र बहादुर सिंह मिर्जापुर जनपद के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को जांच कर कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। इस विषय पर उन्होंने आरोप यह भी लगाया है कि SDM सदर और तहसीलदार सदर तथा कृषि निरीक्षक द्वारा चार बार रिपोर्ट भेजी गई है। सत्ता के दबाव में आकर के जो चारों रिपोर्ट भेजी गई है वह भी अलग अलग रिपोर्ट भेजी गई है। बताया यह भी जा रहा है कि फसली खतौनी भी गायब हो चुकी है। वहीं ब्रिजभूषण जी का कहना है कि यह जब से मैं जिलाध्यक्ष बना हूं तब से यह 5वीं बार मेरे खिलाफ राजनीतिक विद्वेष के कारण जांच कराई जा रही है। और वहीं SDM सदर का कहना है कि तहसीलदार के द्वारा जांच कर ली गई है और रिपोर्ट ऊपर अधिकारियों को भेजी। ललितपुर में अवैध प्लाटिंग पर चला शासन का बुलडोजर।
हम आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा अवैध प्लाटिंग कर रहे लोगों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन के द्वारा अवैध प्लाटिंग कर रहे स्थान पर प्रशासन पहुंचा और वहां पर सीमांकन को मिटाते हुए बुलडोजर चलाया गया। अवैध प्लाटिंग करने वाले लोगों को इसके पहले नोटिस दिया गया था जो अवैध तरीके से प्लाटिंग कर रहे थे। प्रशासन ने पहले इनको नोटिस दिया, जब उनका कोई जवाब नहीं मिला तो प्रशासन ने इस बड़ी कार्रवाई को की और इस कार्रवाई से जमीन विक्रेता प्लाट विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। ललितपुर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है और प्रशासन लगातार अवैध कब्जों अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई कर रहा है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार में माफियाओं के हौसले बुलंद है। राशन कहीं ना कहीं गरीबों को दिया जाना है, जहां सरकार कहता है कि गरीबों के लिए यह राशन वितरण किया जाना है, जहां देखा जाए चाहे पूर्व में चाहे बॉर्डर की बात हो, जहां एक मैक्स पकड़ी गई जिसमें भी लीपापोती की गई, सैया में भी एक बड़ा गोदाम पकड़ा गया, चाहे सप्लाई इंस्पेक्टर हो चाहे तमाम अधिकारी हो, जिनकी कहीं ना कहीं लापरवाही पाई गई, जहां लोगों ने समय मिलते हुए तमाम मुकदमे पंजीकृत होते हैं मगर जांच का हवाला देते हुए गुमराह किया जाता है। आज रात को 3 गाड़ियां टेम्पू पकड़े गए जिसमें 67 कुंतल गेहूं और चावल पकड़ा गया जिसपे मार्का उत्तर प्रदेश सरकार का रसद विभाग का लगा हुआ है। वहीं एक गाड़ी कहीं ना कहीं लापरवाही से भाग गई जिसमें उनका ड्राइवर भी कहीं ना कहीं भगाया गया, उसमें तमाम और भी लोग थे जो लिप्त पाए गए थे। ऑफिस में केवल और केवल खाना पूर्ति की जा रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि पीछे दिखाइएगा, अधिकारी कहीं ना कहीं बात को घुमाकर बता रहे हैं कि अभी हमारे अधिकारी से हमारी कोई बात नहीं हुई, ना ही कोई ऑफिशियल बाइट देंगे, कहीं ना कहीं उन माफियाओं को बचाने का काम कर रहे हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर हो चाहे उच्च अधिकारी हो। जिला प्रशासन पर और योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने और उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं से तार तार होती जरूर दिख रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि अब इस पर क्या एक्शन होता है। 1,47,00,000 रुपए का जुर्माना बाकी है जो अभी तक जमा नहीं हुआ और उसके बाद ये स्कूल खुलकर फिर तैयार है। फिलहाल अब देखना ये होगा जिला प्रशासन बेसिक शिक्षा विभाग इस पर क्या कार्रवाई करेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिजनौर शहर में इस बार फिर बिजनौर के SP नीरज कुमार जादौन का एक्शन देखने को मिला। जी हां, आपको बताता चलूं बिजनौर में जब से SP नीरज कुमार जादौन आए हैं क्राइम कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। जी हां, इसका मुख्य कारण यह है कि बिजनौर में आदित्य राणा 2,50,000 इनामी बिजनौर SP आते ही ढेर कर दिया गया। अब बात नहीं बताते चले कि बिजनौर पुलिस ने पहले ही 2 दरोगा को तो सस्पेंड कर ही दिया था, आज फिर नीरज कुमार जादौन का एक्शन देखने को मिला। आज फिर 3 सिपाही नीरज कुमार जादौन ने सस्पेंड कर और रिश्वतखोरी का मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि खाकी भी फंसती नजर आ रही है। SP नीरज कुमार जादौन का कहना है अगर अपराधी अपराध करेगा तो क्या वो पुलिस वाला हो या आम आदमी हो, या तो वो जेल जाएगा या नौकरी से हाथ धो बैठेगा। इसी का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। मंगला प्रसाद सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बने कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। गंदगी मिलने पर कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई, साथ ही कर्मचारियों को अभिलेखों को दुरुस्त करने को लेकर और साफ सफाई को लेकर कड़े निर्देश दिए। यही नहीं, पान मसाला खाकर जो ऑफिस में कर्मचारी आते हैं जिसको लेकर DM ने निर्देश दिए हैं कि ऑफिस के बाहर बोर्ड लगाएं और जो भी कर्मचारी अगर पान मसाला खाकर आता है उस पर जुर्माना रखा जाए। यही नहीं, कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि अधिकारी अपनी ड्यूटी गंभीरतापूर्वक पूर्ण करें, अगर शिथिलता बरतेंगे तो कहीं न कहीं कार्रवाई होगी। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ऐसे विशेष बच्चे जो मूक बधिर और मानसिक रूप से कमजोर और दिव्यांग बच्चे हैं उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 380 सहायक शिक्षक विशेष शिक्षक भर्ती करने जा रहा है। इसी क्रम में हरिद्वार जनपद में भी 24 ऐसे विशेष शिक्षकों की भर्ती होनी है, क्योंकि ऐसे दिव्यांग बच्चे जो मूक बधिर हैं जो मानसिक रूप से कमजोर हैं उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन शिक्षकों की भर्ती होनी है। जनपद हरिद्वार में भी 6 ब्लॉकों में इन शिक्षकों की भर्ती होनी है, जिसको लेकर जिला बेसिक अधिकारी के द्वारा जो ऐसे विशेष जो बच्चे हैं उन बच्चे जहां जिन संस्थान में वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन शिक्षण संस्थानों को भी आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं।
संख्या बल के आधार पर जिन संस्थानों में ऐसे विशेष बच्चों की संख्या ज्यादा होगी उन्हीं संस्थानों में ऐसे शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, क्योंकि इन शिक्षकों इन विशेष शिक्षकों को उसी तरह की शिक्षा विशेष डिग्री इनके पास प्राप्त है जो ऐसे बच्चों को पढ़ाने में पूर्ण तरह से सकुशल। समूचे उत्तर प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही, 12-40 के पार जा रहा, जिसके चलते कहीं ना कहीं स्कूली बच्चे थे वो परेशान थे। स्कूलों के समय में परिवर्तन नहीं हो रहा था, लगातार अभिभावक थे, मांग कर रहे थे कि स्कूल का जो समय है उसको बदला जाए, जिसके बाद डीएम लखनऊ ने अब स्कूल का समय बदल दिया है। स्कूल की टाइमिंग अब कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों की सुबह 7:30 से लेकर के दोपहर 12:30 बजे तक होगी, वहीं कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के बच्चों का जो समय होगा स्कूल का वो 7:30 से लेकर के 1:30 बजे तक होगा। कल प्रयागराज के विधिक शिक्षा जो विभाग के अधिकारी उन्होंने एक आदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने वहां के स्कूल के समय में बदलाव किया था, और उसके बाद अब लखनऊ के जिलाधिकारी ने भी स्कूल के समय में बदलाव करके कहीं ना कहीं बच्चों को राहत दी है। समूचे उत्तर प्रदेश में यूपी के बुलंदशहर में लापता छात्रा को पुलिस अभी तक नहीं लगा पाई है सुराग। वहीं परिजनों ने आज SSP ऑफिस में पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर अपने बच्चे को सकुशलता बरामद करने की गुहार लगाई है। वहीं 12 अप्रैल को आकाश कोचिंग के करने गया था अपने गांव बड्डा से सियाना, तब से लापता है। 12 अप्रैल को ही परिजनों ने सियाना कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी, सकुशलता बरामद की। पुलिस की तरफ से अभी तक सियाना कोतवाली ने बच्चे को बरामद नहीं करा है। वहीं देखा जाए तो परिजनों की तरफ से लगातार बुरा हाल है रो रो का, कहीं ना कहीं परिजनों ने अनहोनी ना घट जाए SSP के सामने न्याय की गुहार लगाई है। वहीं SSP ने पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए थाना प्रभारी को सकुशल साथ बरामद के लिए तुरंत आदेश दिए हैं। अब देखना होगा कि न्यूज़ वन इंडिया इस खबर को प्रमुखता से चला रहा है और कब तक बच्चे की सकुशलता बरामद होती है। कुशीनगर जनपद में आज फिर आग लगने की वजह से दर्जनों घर जल के राख हो गए। इस आग जनी की घटना में लगभग कई पशु भी जलने की सूचनाएं मिल रही है। हालांकि सूचना के बावजूद भी मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक जिम्मेदारों की लापरवाही भी सामने आ रही है। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के पडौना तहसील के नादा गांव का है, जहां अभी कुछ देर पहले आग अज्ञात कारणों से आग लगने के कारण 40 घर जल के राख हो गए। हालांकि उसमें बांधे गए लगभग कई पशुओं की बताई जा रही है कि कई पशु भी जलकर मर गए हैं। इसके अलावा लाखों रुपए की संपत्ति और हजारों रुपए नगद भी जलने की बात कही जा रही है। ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना देने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी और टीम मौके पर नहीं पहुंचा, कहीं ना कहीं प्रशासनिक जिम्मेदारों के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर जब जिलाधिकारी से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी हो गई है, संबंधित क्षेत्र के लखपाल और कानूनगों को भेज के मामले की जांच कराई जा रही है। जो भी अग्निपीड़ित होगा उसे आर्थिक सहायता और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। G20 का आज समापन दिवस है और आज तीसरे दिन अंतिम बैठक होगी और इस बैठक के बाद फेयरवेल डिनर के साथ अतिथि जो 20 देशों से 90 की संख्या में है अपने अपने देश को प्रस्थान करेंगे। यदि आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज कार्यक्रम में सबसे जो बड़ी बात होगी वो ये कि पिछले दो दिन जो 4 सत्रों में बैठक चली है उन बैठकों का निचोड़ लिया जाएगा। इन बातों में डिस्कशन किया जाएगा कि आखिर इन 4 दिनों में जो PPP मॉडल, मोटा अनाज, अनाज की उपज बढ़ाना, अनाज को रोग मुक्त करना, अनाजों को वैश्वीकरण करना, इन चीज़ों पे एक समरी तैयार की जाएगी और इस समरी के साथ आए हुए मेहमान अपने अपने देश के लिए रवाना होंगे। समझा जा सकता है कि इन मेहमानों के लिए न केवल बनारस को लगदग ढंग से सजाया गया है बल्कि निकलने वाले सड़कों को, घाटों को और तमाम जगहों को एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। सबसे खास बात यदि आज की जाए तो ये होगी कि वो टेस्ट सेंटर जाएंगे और टेस्ट सेंटर जाने के बाद शाम को फेयरवेल पार्टी होगी और उस पार्टी में संगीत विधाया ये कहा जाए कि बनारस के जो संगीत घराने हैं और साथ ही साथ जो दूसरे शहरों के घराने हैं उन घरानों से उनके संगीत विधा का रूबरू कराया जाएगा और इसी के साथ बनारस के फर्स्ट राउंड की बैठक समाप्त होगी। G20 का आज समापन दिवस है और से 10 किलोमीटर दूर खुरपाताल पे आप देख रहे होंगे कि लगातार कंस्ट्रक्शन जो चल रहे हैं, जो होटल यहाँ बनाए जा रहे हैं उनके मानक कुछ नहीं है। न जिला प्रशासन देखने को तैयार है, ना झील विकास प्राधिकरण देखने को तैयार है, क्योंकि जो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है एक तो यहाँ पानी की समस्या बनी हुई है, उसके साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके आसपास पेड़ किस तरह से सुखाए जा रहे हैं और इन पेड़ों को कोई देखरेख वाला व्यक्ति नहीं है। तो ऐसा लगता है कि
आने वाले समय में अगर इस नैनीताल में इसी तरह का कंस्ट्रक्शन होगा तो निश्चित तौर से यहाँ पानी की समस्या होगी, और इसके साथ साथ जो होटल जो बन रहे हैं और होटल की जो संख्या बढ़ रही है उनके मानक यहाँ पर कुछ नहीं रखे जा रहे, किस तरह से ये मकान बन रहे हैं, किस तरह से बिल्डिंगें बन रही हैं, और जिसमें आप देख रहे हैं कि मेरे ठीक सामने मैंने आपको दिखाया कि इसमें पेड़ जो सूख रहे हैं और वो पेड़ों को सुखाया जा रहा है, तो कितनी लापरवाही इसमें हमको देखने को मिल रही है। ठीक इसके पास में ही नीचे एक तालाब है और उस तालाब में भी जो पर्यटकों के लिए कोई रास्ता अभी तक नहीं है कि उसमें जाने का कोई रास्ता हो, अगर पर्यटकों को बढ़ावा दिया जाए तो किस तरह से दिया जाए, क्योंकि इस लेक को जो है ये वन विभाग के अंतर्गत आती है और इस लेक को देख रेख वाला कोई नहीं, तो कम से कम जिला प्रशासन को इस ओर सोचना चाहिए कि आने वाले में जो नैनीताल से 10 किलोमीटर है तो पर्यटकों को यहाँ भी लाया जाए, यहाँ भी उनके लिए सुविधाएं बनाई जाए। खाली होटल बनाने से काम नहीं होगा, क्योंकि लेक को चारों ओर से सजाया जाए और लेक में आने और जाने का एक रास्ता बनाए। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। मैदानी इलाकों में जहाँ तेज आंधी और धूल भरी हवाओं से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं पहाड़ों में भी बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। 22 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू हो रही है और पहाड़ों में बदलता मौसम भी प्रशासन के सामने मुसीबत खड़ी कर सकता है। उत्तराखंड में